बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट है, ठीक है। एमर्जिंग वुमेन लीडर्स के लिए जो है पूरे पाकिस्तान से फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर OG2 के लिए, ठीक है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मौजूद है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक विजिट और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, क्योंकि मैं डेली बेस पर तमाम जॉब्स अपडेट अपने इस यूट्यूब चैनल पर फौरन अपलोड कर देता हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। तमाम लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपने इस पर क्लिक करके हमारी इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आप नीचे चलेंगे, आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इस पोस्ट पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस तरह का वेब पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आप तमाम इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। बेसिकली डेली एक्सप्रेस न्यूज़ में जो है इनकी एडवर्टाइजमेंट शाये की गई है और NTS के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये जॉब लिस्ट कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे चलेंगे, यहाँ पर आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मैंशन है। 15 मई 2022 को जॉब पोस्ट की गई थी। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है बैचलर और मास्टर वाले फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। इसमें जो लास्ट डेट होगी वो 30 मई 2022 होगी, ठीक है। इसमें यहाँ पर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है असिस्टेंट डायरेक्टर OG2 के लिए, ठीक है। यहाँ पर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी गई है, ठीक है। किन किन मतलब डिसिप्लिन के लिए जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, ठीक है। यहाँ पर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बताई गई है। एजुकेशन क्राइटेरिया यहाँ पर मैंशन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पेपर यहाँ पर मैंशन किया गया, नीचे आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, इनका बैच फर्स्ट है ये, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पर अप्लाई किस तरह से करना होगा, अप्लाई इनकी ऑनलाइन होगी। NTS.org.pk पे आपने चले जाना है, वहाँ पर ये जॉब लिस्ट की गई है, आपने उस पर क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर लेनी है। जो इसमें जो सैलरी का पैकेज बताया गया है वो पहले मंथ का जो है वो 41,000 है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी 82,000 जो है तनख्वाह होगी, ठीक है। और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस मतलब पोस्ट के अंदर बता दी गई है, ठीक है। किसी किस्म का कोई इशू आता है तो नीचे मुझे लाजमी कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह इसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।